भारत और चीन के रिश्ते को लेकर लगातार ये बातें सामने आती रहती हैं कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसी को लेकर जाने माने पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं, चीन को जानो, चीन को समझो और चीन से रहो सतर्क। वंदे भारत ट्रेन के पहिए चीन में बनेंगे। 17 मई की तारीख से ईटी नाउ की वेबसाइट पर यह खबर छपी है। खबर में आधिकारिक बयान नहीं है, सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है। सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारत ने चीन की कंपनी को 170 करोड़ का ठेका दिया है। इन 39,000 पहियों का इस्तेमाल वंदे भारत ट्रेनों में होगा। भारत जैसे देश के लिए 170 करोड़ का ठेका किसी को भी देना मामूली बात नहीं है। नाम वंदे भारत ट्रेन का और पहिया चीन का, कुछ जमता नहीं है। 19 मई के रोज कई जगहों पर खबर छपी है कि चीन पूर्वी लद्दाख में पोंगैक झील के पास एक और पुल बना रहा है। इससे पहले भी एक पुल बन चुका है। नए पुल पहले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। पिछले 2 साल में भारत और चीन के बीच 15 दौरों की वार्ता हो चुकी है। कई मीडिया रिपोर्ट में बातचीत को बेनतीजा लिखा जा रहा है। चीन भारत की सीमा में पुल बना रहा है, भारत चीन से ट्रेन के पहिए बनवा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से इस भारत और चीन मुद्दे पर बरस पड़े रवीश कुमार। इसके बाद एक यूजर शाहजेब खान लिखते हैं, आम आदमी से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की जा रही, वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का पहिया बनाने का टेंडर चीन को दिया जा रहा है, वाह रे सरकार। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं, वाह वाह मोदी जी, चीन की उपलब्धि भारत का गौरव, इसको कहते हैं मेक इन इंडिया। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं, अजीब स्थिति है, एक साथ ही प्यार और दुश्मनी दोनों बराबर रूप से चल रही, देश के अंदर चीन निर्माण भी कर रहा है लेकिन बिल्कुल चुप्पी है।